अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं आप सब फ्रेंड्स करे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्ले स्टोर के बारे में बताऊँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक तो आपको ऐसा प्ले स्टोर है जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन आज मैं उसके साथ ही एक दूसरे प्ले स्टोर के बारे में आपको बताऊँगा जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, उस प्ले स्टोर में आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उस प्ले स्टोर में आपको किसी भी एप्लीकेशन के जितने भी वर्जन होंगे, पुराने वर्जन, वो भी आपको इसमें आसानी के साथ मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि प्ले स्टोर में अपडेट वर्जन ही मिलता है, और उसके अलावा आप पुराना जो वर्जन होता है किसी भी एप्लीकेशन का, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फेसबुक हो गया, ईमो हो गया, या व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप तो खैर पुराना वर्जन तो जो है वो यूज़ भी नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ज़रूरत होती है कि यार पुराना वर्जन जो है वो मुझे चाहिए, तो पुराना वर्जन आपको या तो गूगल प्ले स्टोर से, गूगल क्रोम से मिलता है, तो या फिर आपको इस एप्लीकेशन से मिलेगा जो जिस एप्लीकेशन के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई भी आपको वर्जन चाहिए तो वो आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। पुराने से पुराना वर्जन भी आपको इसमें मिल जाएगा, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर के ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो जाते हैं, अपडेट होने के बाद उसमें बहुत सारी चेंजिंग हो जाती हैं, और फ्रेंड्स कहते हैं कि यार हमें वो पुराना वर्जन चाहिए था, वो बहुत अच्छा चलता है, वो आसानी के साथ जो है वो वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको उस ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा जिसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर के जितने भी वर्जन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा था, उस एप्लीकेशन का नाम है एप्टॉइड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है, ये आपको गूगल क्रोम से मिलेगी। इसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां से आपको आसानी से ये डाउनलोड नहीं होगा। तो मैं आपको गूगल क्रोम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहां से इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये सेम प्ले स्टोर की तरह ही है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ से किसी भी पुराने से पुराने वर्जन का भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जिस वर्जन में भी आप चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से हर वर्जन मिल जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है वो फेसबुक को जो है करता हूँ, सर्च करता हूँ फेसबुक को। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक को सर्च किया है, तो यहाँ पर मेरे सामने फेसबुक ओपन हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये अपडेट वर्जन जो है ये शो हो रहा है, यहाँ पे अपडेट वर्जन है, और ये ओल्ड वर्जन है आपको नज़र आ रहा होगा ये कॉर्नर पे। यहाँ पे आपको ओल्ड वर्जन जो भी चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये फेसबुक के ओल्ड वर्जन है, आपको जो भी चाहिए इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि फ्रेंड्स, आप इसमें जिस भी सॉफ्टवेयर को एक बार डाउनलोड करेंगे वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, दोबारा से आपको फिर इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में तो आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको दोबारा से फिर वो डाउनलोड करना पड़ेगी, और आपका जो नेट का डेटा है वो भी ज़ाया होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने एक बार किसी भी सॉफ्टवेयर को या डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी एप्लीकेशन, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चाहे उसको आप अपने मोबाइल मेमोरी में रखना चाहें तो आप रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।